हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ईश्वर आहिर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर के एक न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें आपको साइन अप बटन है वो तुरंत ही मिल जाता है बिना एक भी पोस्ट किए। जी हाँ दोस्तों, अब साइन अप बटन है वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा कोई भी पोस्ट किए, चाहे आपका डोमेन कस्टम डोमेन हो या .blogspot.com डोमेन हो, किसी भी डोमेन पर आपको साइन अप बटन तुरंत ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर के न्यू अपडेट के बारे में। तो ब्लॉगर पर न्यू अपडेट आया है जिसमें आपको साइन अप बटन है, चाहे आपका डोमेन कस्टम डोमेन हो या .blogspot.com डोमेन हो, किसी भी डोमेन पर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो साइन अप बटन का एडसेंस पर क्या असर होता है, क्या आपको अब तुरंत एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा या नहीं, और वो बटन अगर नहीं मिल रहा तो आपको वो कैसे लेना, वो सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि अपडेट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी ओल्ड ब्लॉगर का है इंटरफेस वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरह का आ रहा होगा और आपको साइन अप बटन नहीं मिला होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू क्वालिफाई फॉर एडसेंस का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा। तो आपको किस तरह इसको इनेबल करना है, किस तरह आप अपने ब्लॉग में यहाँ जैसा मेरा इनेबल है दूसरी साइट में उस तरह आप कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए आपको साइन अप बटन कैसे लाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, आपकी जो भी साइट है उसके लिए आपको क्या करना है, उसी जीमेल से एडसेंस में लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर adsense.com पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर साइन इन और साइन अप दोनों बटन आपको मिल जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी साइन इन कर लिया होगा और कई लोगों ने नहीं किया होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर साइन अप कर लीजिए अगर आपने पहले नहीं किया है तो, ताकि आप जब न्यू ब्लॉगर में जाए तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर ऑप्शन आ जाए। अब अगर आपने साइन इन नहीं किया होगा तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको पहले वो कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली ट्राई न्यू ब्लॉगर पर करना है। कई लोग न्यू ब्लॉगर है वो यूज़ कर रहे होंगे और कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली आपको ट्राई द न्यू ब्लॉगर में आपको चले जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अर्निंग टैब्स में चले जाना है। तो दोस्तों, आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा अगर आपने एडसेंस अपना पहले से ही साइन अप कर लिया है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा लुक्स लाइक यू हैव एन एडसेंस अकाउंट। अगर आपने साइन अप किया होगा तो आपकी आईडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो जीमेल आपका यहाँ से कनेक्टेड होगा। तो सिंपली आप जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट एडसेंस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडसेंस, आपका जो भी ये साइट होगी उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और आपको हेड के नीचे कोस्ट पे कोड है उसको पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप यहां से डायरेक्ट उस एडसेंस में भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कौन सा एडसेंस है और उसमें आपने कौन साइन अप किया है, तो क्या चीज़ वो साइन अप हुआ है या नहीं। यहां पर आपको जो भी आपकी साइट है उसका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आप अपना एडसेंस अपनी इस वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे तो किस तरह का दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो एडसेंस कनेक्टेड है उसमें मैं आपको ट्राई न्यू ब्लॉगर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस साइट में मैं अपना जो न्यू ब्लॉगर का इंटरफेस है वो आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर मैंने अपनी साइट है उसको कनेक्ट करके रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी साइट अभी रिव्यू में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडसेंस इज रिव्यूइंग योर साइट। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो मेरी साइट है वो रिव्यू में चली गई है, और यहाँ पर कोई भी जो एरर आएगा, अगर आपकी साइट सही नहीं होगी या फिर और कोई एरर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको वो सारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपकी साइट कौन सी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी साइट का URL देखने को मिल रहा है, और आपकी साइट अगर रिजेक्ट होती है तो भी आपको यहाँ पर उसका रीज़न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये ब्लॉगर का बहुत ही बढ़िया और न्यू अच्छा या अर्निंग टैब का जो है न्यू अपडेट आया है वो बहुत ही अच्छा है और सबके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं 30 पोस्ट डाल देते थे, पूरा कंटेंट सही डाल देते हैं और जो भी क्वालिफिकेशन था एडसेंस का वो सारा कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन फिर भी उनको साइन अप बटन नहीं आता था, तो ऐसे में उन लोगों को एडसेंस नहीं मिल पाता था। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर सिर्फ साइन अप बटन मिला है, लेकिन हमारा एडसेंस अप्रूवल है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो तो अभी सेम की सेम ही है। आपको अपनी जो भी साइट होगी उसमें आपको
मैंने बोला उस तरह आपको 20 या 30 पोस्ट डालने होगी खुद की, और अपने इमेजेस भी आपको खुद को ही डालने होंगे, तभी ही आपका एडसेंस अप्रूव होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ साइन अप बटन मिल रहा है, आपका डोमेन कोई भी हो। मैंने आपको दोनों डोमेन पर दिखा दिया है कि मेरा डॉट ब्लॉग स्पॉट डोमेन था उस पर भी दिखा दिया, और यहाँ पर जो मेरा डोमेन है कस्टम डोमेन उस पर भी आपको दिखा दिया। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर जब आप एडसेंस को कनेक्ट कर रहे होंगे। और दोस्तों आपको अगर आपका डॉट ब्लॉग स्पॉट डोमेन है तो आपको अच्छी बात है, आपको डोमेन टू मंथ आपको वेट करना होता था, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत ही एडसेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी साइट रेडी है तो, और आपको जल्दी से एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉगर का अपडेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप डॉट ब्लॉग स्पॉट डोमेन यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको इसमें बहुत ही हेल्प होगी, अगर आपकी साइट में बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है या फिर आपकी साइट है वो सही रन कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी जो विशिंग स्क्रिप्ट की साइट थी वो डॉट ब्लॉग स्पॉट वाली साइट थी, इस पर ही मैंने अभी आपको अर्निंग का टैब ओपन करके दिखाया, और इसमें भी आप कनेक्ट करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर आपका एडसेंस कनेक्ट भी हो जाएगा, और आपको अपनी जो वेबसाइट है यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कनेक्टेड डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, और आपकी साइट रिव्यू में भी चली जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है। तो दोस्तों ये था ब्लॉगर का न्यू अपडेट, और आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, और जितने भी आपको डाउट थे साइन अप बटन से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।